लो गाइस, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं दिस ब्यूटीफुल क्यूटेस्ट लहंगा फॉर 4 to 5 इयर्स गर्ल। इसकी टॉप का वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि था मेरा लास्ट वीडियो। ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रही होगी, ऑल्सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दूंगी। चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसके लिए चाहिए हमें 2 मीटर फैब्रिक। मैं ये टोटल 2 मीटर सैटिन फैब्रिक लिया हुआ है। डबल फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद जो फोल्डेड साइड रहेगी वहां कॉर्नर से हम 7 इंचेस मार्किंग स्टार्ट करेंगे। सभी जगह हमें 7 इंचेस मार्क करना है। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए कर्व शेप दे देना है। अब यहां आगे से हम 24 इंचेस पर मार्किंग देंगे, जो होगी लेंथ ऑफ द लहंगा। सो गाइज, अगर आपको लहंगा पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर से दबाएं इंस्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए। अभी हमें सभी पॉइंट्स पर कटिंग दे देनी है कर्व शेप देते हुए। सेम हमें मेन फैब्रिक लेना है 2 मीटर का, उसको भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे। अभी इस पर हम अपना अस्तर फैब्रिक रखेंगे और सेम कटिंग कर देंगे सेम मेजरमेंट का। गाइस, बॉटम पर कटिंग करना है, जब हमें ध्यान रखना है हमें 1 इंच का मार्जिन रखना है। अस्तर से हमें मेन फैब्रिक को 1 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। अभी हम इनर अस्तर एक और लगाएंगे, उसके लिए हम कॉटन फैब्रिक लेंगे। ये हम बेबी के कंफर्ट के लिए कर रहे हैं। इसकी लेंथ हमें 20 इंचेस लेना है और इसकी आप विड्थ ले लेना अराउंड 2 मीटर्स, तब ये 2 मीटर लंबा हमें लेना है। अभी हमें इस पे छोटे छोटे प्लीट्स देकर थ्रू आउट द बॉर्डर पर स्टिच कर देना है। ये देखिए ऐसे हमें प्लीट्स दे देना है। इसके दोनों बॉर्डर्स पर हमें स्टिच कर देना है, ज्वाइन कर देना है। सेम हमें मेन फैब्रिक पर करना है। सेम तरीके से जो हमारा सैटिन फैब्रिक है उसको भी हमें ऐसे दोनों साइड से दोनों बॉर्डर्स को स्टिच कर देना है। ये तीनों फैब्रिक को हम स्टिच कर देंगे थ्रू आउट द बॉर्डर पर। सो गाइज, इफ यू लाइक द ड्रेस द लहंगा देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस। आप कॉमेंट बॉक्स में भी अपने व्यूज लिख सकते हैं और कोई क्वेरीज है तो जरूर से लिखे, मैं उस पर फॉलो अप जरूर से दूंगी। एंड गाइज, यू मे ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @group512, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब जो हमारा बॉटम बॉर्डर है गाइज, उसको भी हम फोल्ड करके फिनिश कर देंगे। अब जो लहंगे का बॉटम बॉर्डर है गाइज, उस पर हम ये ब्यूटीफुल लेस अटैच करेंगे। ये कैसे करना है, आप फैब्रिक को मेन साइड फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर लेस को अटैच करेंगे। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। एंड थ्रू आउट द बॉर्डर हम इसको स्टिच कर देंगे। सो गाइज, बॉर्डर के बाद अभी हम तीनों अस्तर फैब्रिक को ज्वाइन करेंगे। कैसे करना है गाइज, पहले हम तीनों को एक साथ करेंगे। मेन फैब्रिक के अंदर हम सैटिन फैब्रिक रखेंगे, फिर उसके अंदर हम अपना कॉटन का अस्तर करेंगे। ये देखिए, अब
अभी हमें तीनों को एक साथ करना है वेस्ट पर और उन्हें सिक्योर कर देना है। और अभी इस पे थ्रू आउट द बॉर्डर पर हमें तीनों फैब्रिक को स्टिच कर देना है। सो गाइज, अभी हमें मेन फैब्रिक और सैटिन फैब्रिक की दो स्ट्रिप्स लेनी है 5 इंचेस बाय 28 इंचेस की। दोनों पे एंड्स को हमें ऐसे जॉइन कर देना है। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। अब गाइज यहाँ पर हमें ऊपर से भी एक और स्टिच देना है, ये फिनिशिंग के लिए होती है, जरूर से करें। और अब हम इस स्ट्रिप्स को अभी बॉटम से जॉइन करेंगे। ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले गाइस हम सिक्योर करेंगे, इससे क्या होता है स्टिचिंग में हमें बहुत ईज हो जाता है। और अभी हम सिक्योर पार्ट को स्टिच कर देंगे। गाइस स्टिच होने के बाद इसको हमें फोल्ड करके ऐसे फिनिश करना है। यहाँ पर हमें 2 इंच का गैप छोड़ना है गाइस इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पर हम इलास्टिक लेंगे 19 इंचेस की। इलास्टिक की विड्थ है 1 इंचेस। सेफ्टी पिन के मदद से आप इसको गैप के थ्रू इंसर्ट कर देंगे। और अभी इंसर्ट करने के बाद इलास्टिक्स के दोनों एंड को जॉइन करना है। अब जो हमने गैप छोड़ा था गाइस उसको हमें स्टिच कर देना है, दैट इज बंद कर देना है गैप को। और इसी के साथ गाइस लहंगा फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।